ओके सो अभी मैं मेरा सेशन शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप सबने सेशन ज्वाइन किया है बिकॉज आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले कौन सी क्वालिटीज आप में चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और अभी तक अराउंड 325 सेमिनार्स मैंने दिए हैं अक्रॉस महाराष्ट्र, और अराउंड 15 से 17 हज़ार लोगों तक अभी मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है। सो एग्जैक्टली कौन से क्वालिटीज आप में चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। द फर्स्ट क्वालिटी यू शुड हैव दैट इज मैड अबाउट हेल्पिंग अदर्स। यस यू शुड बी मैड अबाउट हेल्पिंग अदर्स, यू कैन राइट इट डाउन। अभी ये मैंने वेबिनार जो है मैं उसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ बिकॉज कोई कोई लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, सो वो फिर से एक बार वो देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एब्सोल्यूटली मैड अबाउट हेल्पिंग अदर्स। आपको पता है आज मेरा पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप था, सुबह अराउंड 10:30 को वो शुरू हुआ और शाम के अराउंड 7 o'clock को, 6:30 क्वार्टर टू 7 को खत्म हुआ। इतना पूरा दिन मैं अकेले ही बात कर रहा था, पूरा दिन अकेले मैंने सेशन लिया, और उसके बावजूद आपके सामने आज मैं हूँ और आपको ये मैं वेबिनार दे रहा हूँ बिकॉज आई एम मैड अबाउट हेल्पिंग अदर्स। अगर आप में वो पागलपन है लोगों की मदद करने का तो ही मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सपना देखिए। अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ आपको नाम शोहरत कमानी है, तो दिस इज नॉट अ फील्ड फॉर यू, आई एम सॉरी, बिकॉज ये बहुत ग्लैमरस फील्ड है, बहुत मजा आता है कि मतलब ऐसा लोगों को लगता है ब्लेजर पहनना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, लोगों से थोड़ी सी बहुत बात कर ली, मोटिवेट कर लिया, पैसा दे दिया लोगों ने, तो वैसा नहीं होने वाला, ये इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले यू शुड बी मैड अबाउट हेल्पिंग अदर्स। सेकेंड, आपके पास बहुत एनर्जी चाहिए। मैंने आपको जैसे बोला आज मेरा पूरा दिन का पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप था, ये वर्कशॉप होने के बावजूद आपके मैं सामने हूँ और अभी मैं आपको बहुत एनर्जी के साथ ये सब वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ बिकॉज उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी जब आपके पास आपकी खुद की हेल्थ बहुत ज़बरदस्त होगी। आपकी खुद की हेल्थ अगर कोलैप्स हो चुकी है या फिर वो डाइसी है तो आप उसकी दूसरों की क्या मदद करेंगे? अगर आप खुद की मदद नहीं कर सकते तो दूसरों की आप कैसे मदद करेंगे? इसीलिए आपको सबसे पहले आपकी सबकी खुद की हेल्थ वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। खुद के हेल्थ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। खुद के हेल्थ के ऊपर अगर आपने काम किया, खुद का हेल्थ इम्प्रूव हो गया, तो ऑब्वियसली आप दूसरों को मदद कर सकते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपका डाइट पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपको एक्सरसाइजेस वगैरह करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ है, जब हम दूसरों को मदद करते हैं, समझो अभी छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, समझो आपको किसी व्यक्ति की मदद करनी है, ठीक है, आपको किसी व्यक्ति की मदद करनी है और आपके पास एक 5 किलो का वजन है, ऑलरेडी है 5 किलो का वेट आपके पास है, और दूसरा व्यक्ति है उसके पास भी 5 किलो का वेट है लेकिन वो उठा नहीं पा रहा, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप क्या करते हैं, आपको आप उनको हेल्प करते हैं, तो उनका 5 किलो का वेट आप ले लेते हैं आपके पास। तो होता क्या है, उसका 5 किलो का वेट तो कम होता है लेकिन आपके पास 10 किलो का वेट बन जाता है। अभी 10 किलो का वेट आपके में एनर्जी तो है आप उठाने की, आप उठा के लेके भी जाते हो, उसको सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, लेकिन उसके बाद आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन होने लगती है। डू यू एग्री? आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन होगी अगर आपने दूसरे को मदद की। दूसरे को मदद करने के बाद जब आपकी एनर्जी ड्रेन होती है तो आपको खुद की एनर्जी फिर से रिकवर करना आना चाहिए। आप कैसे रिकवर कर सकते हैं? आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है जैसे कि मेडिटेशन है, स्तोत्रास है, मंत्रास है, मंत्र के चैंटिंग है, या फिर कुछ तो नामस्मरण है, उस तरह से आपको खुद की एनर्जी आपको रिकवर करनी होगी। अगर आपने वो नहीं किया तो आप बीमार गिरेंगे। 2015 में जब मैंने करियर शुरू किया तब वो मोमेंट पे मैंने एक साल में 2015-16 में कम से कम मैंने 3 से 4 बार मुझे मलेरिया हुआ था, 3 से 4 बार मुझे मलेरिया हुआ था। बिकॉज होता क्या था, मैं लोगों को हेल्प करता था, मोटिवेट करता था, लेकिन खुद का एनर्जी लेवल मैं रेज नहीं करता था, मेरा खुद का फिटनेस प्लान भी इतना स्ट्रांग नहीं था, इसकी वजह से बहुत मैं सफ़र कर रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि दूसरों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ। देखो, आप कभी भी किसी को मोटिवेट करते हैं उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है और आपने वो क्लीनिंग नहीं किया तो आप गए काम से। मेरे एक दोस्त है, वो भी खुद मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक बार मुझे एग्जाम्पल दिया था। एक मोटिवेशनल स्पीकर या फिर काउंसिलर एक कचरे वालों की तरह होता है, तो बीएमसी के रहते हैं ना कचरे वाले, कचरा साफ करने वाले, तो उनके पास गाड़ी तो होती है कचरा साफ करने के लिए, हाथ में ग्लोव्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो कचरा उठाते हैं, कचरा और गंदगी साफ कर देते हैं, लेकिन उनके हाथ तो गंदे हो ही जाते हैं ना यार।
उन्होंने ग्लोव्स पहना है, सब कुछ किया है, लेकिन उनके हाथ तो गंदे हो जाते हैं, उनके पैर, उनकी बॉडी गंदी हो जाती है। अगर उन्होंने वॉश आउट नहीं किया, खुद की क्लिंजिंग नहीं की, तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएंगे, उनको तकलीफ होने लगेगी। और ये आपके भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। डेल कार्नेगी, नाम सुने आपने डेल कार्नेगी? डेल कार्नेगी बहुत जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर थे, काउंसलर थे, कोच थे पुराने जमाने में। उनकी एक बुक भी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस लाइफ, बाय डेल कार्नेगी। तो वो लोगों को बहुत मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन होता क्या था, उनकी एनर्जी ड्रेन होती थी और लोगों को मोटिवेशन मिलता था, लेकिन वो खुद की एनर्जी रिकवर नहीं कर रहे थे। और जिसकी वजह से उनकी डेथ, ऐसे माना जाता है कि उन्होंने बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ सुसाइड, उन्होंने उनका लाइफ एंड किया था। दिस इज अ केस स्टडी, इज अ लाइव केस स्टडी। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपकी खुद की हेल्थ आपको जबरदस्त करनी होगी। अगर आप खुद की मदद नहीं कर सकते, अगर दूसरों की आप मदद करने की सोचो भी मत, आप बहुत चैलेंजेस में आ जाओगे। देखो, इन जनरल मदद करना थोड़ा बहुत ही अलग बात है, और मोटिवेशनल स्पीकर बनकर मदद करना या फिर काउंसलर बनकर मदद करना एक अलग बात है। इसलिए आपको खुद के हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत चैलेंजेस आपके जिंदगी में आपको आ सकते हैं। और एक चीज है, आप नॉलेज के लिए पागल चाहिए, पागल, यू शुड बी मैड अबाउट गेटिंग नॉलेज। आपको पता है, आज मेरा पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप हुआ, ये मेरा 8वां वर्कशॉप था, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ, बहुत लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। लेकिन अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैंने 7,000 रुपया पे करके और एक वर्कशॉप ज्वाइन किया, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग का, उसका और बड़े लेवल का एक वर्कशॉप मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, मुझे तो सब आता है, अभी क्या सीखने की जरूरत है, बट नहीं, जितना आपको नॉलेज अचीव करना है उतना अचीव करना ही होगा, बिकॉज आप नॉलेज नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो नॉलेज आपको खुद को कंटिन्यूसली अपडेट करना होगा। आज मैंने कम से कम 10 से 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर के पास, मैंने ट्रेनिंग्स ली है, जो भी कंसेप्ट मैंने सीखे उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। तो आपको भी इन्वेस्टमेंट को करना होगा, अगर आप नॉलेज नहीं लेंगे तो वो आप नॉलेज अच्छी तरीके से दे नहीं पाएंगे। देखो, यूट्यूब के ऊपर बहुत नॉलेज है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन नॉट ऑल नॉलेज इज एप्लीकेबल टू यू, उसका सब नॉलेज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज, सर्टिफिकेशन करने होंगे। जरूरी नहीं कि सर्टिफिकेशन करने ही चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा कि आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाएगी, और आप किसी को बता भी सकते हैं। जब आप कोई जगह पे काउंसलर का काम करने जाते हैं, एक मोटिवेशन स्पीकर करके जाते हैं, तो आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है, ये मैंने कोर्स किया हुआ है। तो आपका वेटेज, आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है, आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है, लोग आपके ऊपर विश्वास रखना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। आप उसके बाद, आपको चैलेंजेस बहुत पसंद होने चाहिए, आपके जिंदगी में आपको चैलेंजिंग सिचुएशन पसंद आनी चाहिए। बिकॉज देखो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए तो आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी आम आदमी के जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, वही जिंदगी मोटिवेशनल स्पीकर की भी होती है, वही जिंदगी मोटिवेशनल स्पीकर की भी होती है। तो इसीलिए आपको आपके नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, और उसके साथ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। आपको चैलेंजेस में मजा आना चाहिए, अगर आपको चैलेंजेस में मजा नहीं आ रहा है तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप आपके नॉलेज के ऊपर भी काम कीजिए। सो फिर से एक बार चेक करना चाहूंगा कि क्या मेरा आवाज आपको आ रहा है, जरा एक बार मुझे रिप्लाई करेंगे प्लीज, क्या मैं सबको ऑडिबल हूँ, मैं ऑडिबल? ओके, ग्रेट ग्रेट, क्या मैं ऑडिबल हूँ, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं? यस हेलो, अथर्व, यस अथर्व, आवाज है तो है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। सो मेरा आवाज आ रहा है, कोई कोई लोगों का आवाज मेरा नहीं आ रहा है, इट इज ओनली बिकॉज उनके माइक्रोफोन का सेटिंग उन्होंने कुछ तो रॉन्ग मोड पे रखा हुआ है, उसकी वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा सेशन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो जो लोग मिस आउट हो रहे हैं तो उनको ये सेशन मिलेगा। समता, आपको आवाज आ रहा है? समता, अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया 5 मिनट पहले, क्या आपको आवाज आ रहा है समता? वो मला आवाज येतो. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। सो आई एम कंटिन्यूइंग माय सेशन, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करने वाला हूँ। सो और एक कंसेप्ट है कि आपका माइंड सेट एकदम पॉजिटिव चाहिए, बिकॉज चैलेंजेस बहुत आएंगे। अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव नहीं है तो आप मोटिवेशन स्पीकर नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे लोग आपको ताने मारेंगे, बहुत, बिकॉज आप स्टार्टिंग में जब काम करेंगे, शायद आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड बहुत आपको ताने मारेंगे, तो वो मोमेंट पे आपका माइंड सेट एकदम पॉजिटिव चाहिए।
सो दीज आर द प्रीम क्वालिटीज वन शुड हैव टू बिकम मोटिवेशनल स्पीकर. फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ. फर्स्ट क्वालिटी है यू शुड बी मैड अबाउट हेल्पिंग अदर्स. आपको पागलपन होना चाहिए लोगों की मदद करने के लिए. आपके पास बहुत जबरदस्त एनर्जी होनी चाहिए. जो रिसेंटली अभी उन्होंने ज्वाइन किया है उनको पता होगा आज मेरा पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप था. 7-8 घंटे से मैं बात कर रहा था उसके बावजूद आज आपके मेरे सामने ही वेबिनार ये प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो आपको बहुत एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी विल कम फ्रॉम योर ग्रेट हेल्थ. सो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी चाहिए. आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा. हेल्थ के साथ आपको पागल चाहिए नॉलेज के लिए. अगर आप नॉलेज के लिए पागल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा. बिकॉज आपको बहुत सारा नॉलेज इसके लिए चाहिए. आपको चैलेंजेस में मजा आना चाहिए. यू शुड लव चैलेंजेस. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका माइंड सेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये कुछ क्वालिटीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक मोटिवेशन स्पीकर बनना है. अगर आपको लगता है आप ये सब में क्वालिटीज है तो आप एक मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं. अभी आपको करना क्या है? मोटिवेशन स्पीकर आपको बनने की इच्छा है तो अभी आपको करना क्या है? तो अभी मैं आपको बोलता हूँ आपके लिए काम क्या करना है. ETR. ETR मतलब क्या? अर्न द राइट. इसके ऊपर आपको काम करना होगा. अर्न द राइट मतलब क्या? वॉट इज द मीनिंग ऑफ अर्न द राइट? अर्न द राइट मतलब आपको कोई ऐसा टॉपिक चुनना है जो टॉपिक आपके दिल के बहुत करीब है. मतलब कुछ ऐसा नॉलेज जो नॉलेज आपने आपकी जिंदगी में अप्लाई किया हुआ है. एग्जाम्पल, अभी समझो मैं पब्लिक स्पीकिंग के वर्कशॉप ले रहा हूँ और मेरी पब्लिक स्पीकिंग की वाट लगी हुई है. मेरी पब्लिक स्पीकिंग बकवास है तो क्या मैं पब्लिक स्पीकिंग लोगों को सिखा सकता हूँ? कभी नहीं सिखा सकता. अगर मुझे पेरेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप लेना है, क्या मैं पेरेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप ले सकता हूँ? मुझे कभी भी नहीं लेना चाहिए कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं ही पेरेंट नहीं हूँ तो पेरेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप में कैसे लूंगा? तो वो वर्कशॉप मुझे नहीं लेनी चाहिए. क्या मैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर वर्कशॉप ले सकता हूँ? बॉडी कैसे बिल्ड करनी चाहिए मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, उसके ऊपर मैंने काम नहीं किया है. तो जो चीजों के ऊपर आपने काम किया है आपके जिंदगी में उसके ऊपर आपको सेमिनार लेना चाहिए या फिर वर्कशॉप लेनी चाहिए. यहाँ पे सामंत सर है. क्या सामंत सर आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय सामंत सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे जरा रिप्लाई कर सकते हैं चैटिंग के ऊपर या फिर आप आपका माइक्रोफोन ऑन करके. सामंत सर, क्या आपको आवाज आ रही है? ओके, शायद उनको ठीक है. सो बेसिकली जो सामंत सर है उनका हार्ट के रिलेटेड. यस आवाज येतो तुमचा. ग्रेट ग्रेट. तर मी आता मध्ये अजिबात इंटरव्यू करत नाहीये. मला नंतर कधीतरी स्पेशल टाइम दे. मला ह्या विषयावरती मी गेले 2 वर्ष यांना खूप अभ्यास करतोय. एक्झॅक्टली. आणि खूप खूप काही शेअर करण्यासारखं आहे. पण आता तू जे ठरवलंयस ना ते तू व्यवस्थित एक्सप्लेन कर. मी पण शिकतोय त्याच्यात. ओके, ग्रेट ग्रेट. एखादा पॉइंट मला माहिती नसेल तर तुझ्याकडून मला शिकता येईल. ओके, पण त्याच्यानंतर मला बरेच काही शेअर करायचं पण मी मध्ये नाही प्लीज इंटर. येस येस. ओके, थँक्यू थँक्यू थँक्यू. सो या सामंत सर, मैंने आपको इसलिए बात करने के लिए बोला क्योंकि आपकी जिंदगी में जो सामंत सर अभी आपने आवाज सुना उनका, वो BST में बहुत बड़े पोस्ट पे थे. BST इलेक्ट्रिकल में वो बहुत बड़े पोस्ट पे थे और उनको हार्ट के रिलेटेड एक प्रॉब्लम हुआ था, हार्ट डिजीज हुआ था और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन वगैरह करने बोला था. बहुत उनकी चैलेंजिंग सिचुएशन थी लेकिन उन्होंने सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके योगा मेडिटेशन करके वो अभी 100% फिट हो चुके हैं. यस, आयुर्वेदिक मेडिसिन योगा मेडिटेशन करके 100% फिट हुए हैं. तो अभी वो लोगों को एग्जैक्टली बता सकते हैं कि किस तरह से हार्ट डिजीज से आप बाहर आ सकते हैं या फिर हार्ट डिजीज आपको हो ही ना, आपको होना ही नहीं चाहिए, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इसलिए वो आपको गाइड कर सकते हैं. उसी तरीके से आपका टॉपिक चूज कीजिए. आपकी भी जिंदगी में कभी ना कभी तो आपके बाउंस बैक किया होगा. जैसे मेरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे ड्रॉप लगा था इंजीनियरिंग में तो मैं फेल हुआ था. तब मैंने टॉपर आया था मैं और टॉपर आने के लिए मैं सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग विजुअलाइजेशन अफर्मेशन ये टेक्निक्स का बहुत इस्तेमाल किया था. और वो इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला कि एग्जैक्टली ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है. और अभी मैं यही टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, यही टॉपिक के ऊपर मैं लोगों को सिखाता हूँ. इसके अलावा मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ बिकॉज अभी मैंने कम से कम 300-350 सेमिनार दिए तो उसके ऊपर पूरा मेरा हक बनता है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात करने. उस तरीके से आपका टॉपिक चूज कीजिए. वो पेरेंटिंग हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, करियर हो सकता है, IT हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. जो भी आपको टॉपिक के ऊपर बात करनी है आप उसके ऊपर बात कर सकते हो प्रोवाइडेड उसके ऊपर आपने मास्टरी अचीव की है. सेकेंड, अभी जब आपको टॉपिक पता चल चुका है तो आपको सेमिनार्स कहाँ पे लेने हैं? सबसे पहले आपको फ्री सेमिनार्स लेने हैं.
तो फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपको फ्री सेमिनार्स लेने हैं। फ्री सेमिनार आपको कहाँ पे लेने हैं? अनाथ आश्रम में लेने हैं, ब्लाइंड स्कूल्स में लेने हैं, छोटे छोटे स्कूल्स, म्यूनिसिपल स्कूल्स होते हैं वहां पे लेने हैं, या फिर कोई छोटा एनजीओ है वहां पे लेने हैं। वहां पे आपको फ्री सेमिनार्स लेके खुद के स्किल्स को डेवलप करना है। बाय द वे, अगर आपको मोटिवेशन स्पीकर बनना है तो ये तो एकदम जाहिर सी बात है, आप एकदम ग्रेट पब्लिक स्पीकर होने चाहिए। आपकी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल बहुत टॉप लेवल की होनी चाहिए, और ये टॉप लेवल की स्किल कब जाएगी? अब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका पब्लिक स्पीकिंग का स्किल, आपका मोटिवेशन का स्किल इंप्रूव हो जाएगा और आपको वो टॉपिक के ऊपर मास्टरी आ जाएगी। और जब आप सेशन लेते हैं तो सेशन के फोटो निकालिए, उसके वीडियो शूट कीजिए, और क्या कीजिए, वो वीडियो शूट करने के बाद, फोटोज निकालने के बाद आप आपके सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर अभी रिसेंटली टिकटॉक करके एक मीडियम आया है, वहां पे आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तो सब दुनिया को पता चलेगा कि आप ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हो। देखो, दुनिया को ये नहीं पता है कि आपने वो टॉपिक फ्री में लिया है कि पैसा लिया है, लेकिन दुनिया को ये पता चलेगा कि आप एक मोटिवेशन स्पीकर हो, या फिर कोई टॉपिक के ऊपर आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। और उससे होगा क्या, आपकी वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका नाम हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आप लोग आपको कॉन्टैक्ट करना शुरू करेंगे। लोग आपको कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको पूछेंगे कि साहब आप कितना पैसा लोगे अगर हमारे यहाँ पे एक ऐसा ऐसा सेमिनार देना। अभी देखो गणपति आ रहा है, गणेश चतुर्थी वगैरह आ रही है, तो 10 दिन जब गणपति रहता है तो वो मोमेंट के ऊपर वहाँ पे बहुत सारे गणपति पेंडॉल्स होते हैं, वहाँ पे सेमिनार्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, तो वहाँ पे जाके भी आप बात कर सकते हो, वहाँ पे बच्चों को, लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हो। सो दीज आर द स्टेप्स। मैं फिर से एक बार ये स्टेप्स रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले स्टेप है कि आपको पागलपन होना चाहिए लोगों की मदद करने का। लोगों की मदद करने के लिए आपको बहुत आपकी एनर्जी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी लेवल एक पीक लेवल की होनी चाहिए। इसलिए आपको आपके डाइट के ऊपर प्लान करना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर प्लान करना पड़ेगा। आपको नॉलेज के लिए बहुत बड़ा हंगर चाहिए, वो हंगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करने में मज़ा आना चाहिए, बिकॉज मोटिवेशन स्पीकर की ज़िंदगी में भी चैलेंजेस आएंगे, टफ सिचुएशंस आएंगे, तो इसीलिए आपको चैलेंजेस के ऊपर भी काम करना होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना होगा। उसके अलावा ETR, अर्न द राइट, आपको मैंने फॉर्मूला बताया है। ETR मतलब क्या है, आपको टॉपिक चूज करना है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको बात करने में मज़ा आएगा, जो टॉपिक के ऊपर आपके जिंदगी में मास्टरी अचीव की है, कुछ अचीवमेंट किया हुआ है, वो टॉपिक आपके जिंदगी में आप चुनिए। जैसे मैंने सामंत सर का एग्जांपल दिया, उनका मास्टरी है हेल्थ के ऊपर, हार्ट के ऊपर, हार्ट के रिलेटेड उनको भी बहुत नॉलेज है, तो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एक बार आपने ETR चूज कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्कूल्स, कॉलेजेस, वहां पे आपको जाना है और वहां पे आपको फ्री सेमिनार्स कंडक्ट करने हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, या फिर आपको जो ऑर्फनेज होम, अनाथ आश्रम है, ब्लाइंड स्कूल्स है, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार लेना शुरू कीजिए। तो क्या होगा, आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप वो फोटोज़, वो वीडियोज़ सोशल मीडिया पे डालिए। सोशल मीडिया पे डालने के बाद आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि आप मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स देते हो, सेमिनार्स लेते हो, काउंसलिंग करते हो, तो वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से आपको ऑटोमेटिकली और ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, और इस तरह से आपको अर्निंग का सोर्स भी शुरू हो सकता है। सो इट्स लाइक विजिबिलिटी, देन क्रेडिबिलिटी, एंड देन कम्स योर प्रॉफिटेबिलिटी। आई होप आपको ये सब जो मैंने जो मतलब सीक्वेंस बताया है वो सीक्वेंस एकदम क्लियर है, और इसका मैंने ऑडियो अभी ये पूरा वेबिनार का मैंने रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, तो अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपको भेजने वाला हूँ, जो लिंक का आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप मुझे पूछ सकते हैं, आप आपका हाथ ऊपर कीजिए, वहाँ पे हाथ ऊपर करने का ऑप्शन है, या फिर सीधा आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हैं। एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, इसको जो सवाल पूछना है तो मुझे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी मैंने डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग आपको सवाल पूछने हैं। एनीवन, आपको कुछ सवाल पूछने हैं? हेलो, आपको किसी को सवाल पूछने तो आप सवाल पूछ सकते हैं। एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन।
जिसको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे थोड़ी देर बाद, मैं व्हाट्सएप पे हूँ, सब आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मुझे पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको ये टॉपिक शेयर किए हुए हैं, जो कंटेंट शेयर किया हुआ है। सो अभी ऑलमोस्ट टाइम हमारा हो रहा है, इट इज ऑलमोस्ट 9:30। सो थैंक यू सो मच, आपने सब जगह से ज्वाइन किया हुआ है और आप यहाँ से आपका अपने टाइम दिया। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ये नॉलेज बहुत कुछ मिला होगा, तो आपके कुछ इनपुट्स रहेंगे, आपको शेयर करना है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डालिए, और आपका जो भी नॉलेज है या फिर जो भी क्वेश्चन है, थ्योरी है, आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बिकम अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेक आवर इंडिया सुपर पावर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो, यस, हेलो, हाँ कौन बोलते हैं? दिलीप गोले। यस यस दिलीप गोले, गलत, यस यस, मैं आता बड़ा स्लेट ज्वाइन किया था। ओ अच्छा, ठीक है, मैं हाँ वेबिनारचं मी कंप्लीटली रेकॉर्डिंग केलेलं आहे, ते रेकॉर्डिंग मी तुम्हाला पाठवतो, रेकॉर्डिंगची लिंक तुम्हाला पाठवतो। हो, ते श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध कसं करावं आणि ते दोन तीन प्रश्न होते, नाटाळ प्रेक्षकांना कसं हाताळावं आणि प्रेक्षकांना कसे व्यस्त ठेवायचं। आपण एक काम करूया, ह्याच्यावरती आपण आहे ना उद्या एकदा डिस्कस करूया। तुम्हाला मी नोट्स पाठवल्यात बघा सर, मी नोट्स वाचल्या का? हो, नोट्स तुम्ही बघा, त्याच्यामध्ये जर का तुम्हाला सोल्युशन नाही मिळालं तुम्ही मला उद्या सकाळी एकदा कॉल करा, ते सकाळी आपण बोल डिस्कस करू त्याच्यावर। बरं, ठीक, ओके ओके सर, थँक्यू सर, थँक्यू सर, गुड नाईट। या ग्रेट नाईट सर।